वल्ला हबीबी, मैं इस वक्त हूँ दुबई में और दुबई में इतनी सारी चीजें इतनी कॉमन कैसे समझ नहीं आता। इस वक्त ये जो कार है हमारे पास में, ये है जीएमसी का फुल टू लार्ज बड़ा वाला ट्रक। एक बात तो इसके अंदर ना पक्की है कि ये जितना बड़ा ट्रक है ना, उस हिसाब से इसका जो गेटअप है, जो रोड प्रेजेंस है, वो आउटस्टैंडिंग है। और हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं रात में, लेकिन रात में भी ना ये जो लाइट्स हैं ये बहुत पावरफुल और बहुत शार्प लगती हैं, और ये बहुत बड़ी लाइट्स हैं। अच्छा, थोड़ी सी पास से आके अगर इसको दिखा देना तो 3 क्यूब लाइट्स हैं इसके अंदर, जो कि लो बीम पे चलेंगी 2, और हाई बीम पे ये वाला चलेगा। बहुत दूर तक की लाइट जाती है। और सबसे बढ़िया चीज़ यही है यार, यहाँ पे सी बना है और वहाँ पे बना है डी इसकी वो वाली हेडलाइट में, तो आगे से कूल लुक के साथ। एक और चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, ये है इसके व्हील्स। ये जो व्हील्स हैं, इसका जो मतलब साइज ही अगर देख लें तो कितना बड़ा इसका साइज है, मतलब कितना बड़ा ये व्हील है ना, जिसका कि साइज है 275 60 20 इंच के इसके अंदर व्हील्स लगे हैं। अगर यही वाले जीएमसी के व्हील्स हमें मिल जाए तो बहुत सारी गाड़ियों में लग सकते हैं। और इनफैक्ट कि ये जो है 2 2 4 2 6 6 जो नेट वाला व्हील होता है वो है। और ये है जीएमसी यूकॉन, थोड़ा सा ना बड़ा वाला डेंजरस ये चीज़ है। एक चीज़ है यहाँ पे, ये जो बैटमैन वाली जो चीज़ दिखती है ना, इसको बोलते हैं जीएमसी की शेडो लाइट। लेकिन इसके अंदर एक फीचर है, मान लीजिए जैसे कि आपके हाथ में सामान है और फैमिली के साथ है आप, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इस वाले एंगल से अगर देखें ना, तो यहाँ पे अगर मैं जैसे इसके नीचे ये मूव करूँगा ना, तो मेरा बूट अपने आप ओपन हो जाएगा इस तरीके से। और अंदर से इसकी अगर बूट देखें तो इतनी ज़्यादा स्पेशियस है कि 2 बड़े बड़े लगेज और यहाँ पे छोटे छोटे लगेज, मतलब 5 लगेज ऑफ स्टोरेज है इसके अंदर काफ़ी बड़ी। और अगर कुछ लोग बैठ सके तो बैठ भी सकते हैं। नीचे अगर देखें तो बहुत सारा सामान और ये सारा सारा वाटर आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं इसमें। अगर देखा जाए तो पीछे भी इतना स्पेस है और आगे भी इतना स्पेस है, तो इससे ना कैंपिंग वगैरह बहुत अच्छे से हो सकती है। इनफैक्ट कि मुझे ये तो वैसे बटन है इसमें, लेकिन अगर मैं बटन नहीं दबाऊँ और सिर्फ इसको अगर सेंसर से ऐसे कर दूँ और पीछे हो जाऊँ, तो ये अपने आप ही बंद हो जाएगी, है ना। मजा आ गया भाई स्टफ। इस तरफ से दिखाते हैं तो ये है इसका पैसेंजर एरिया। पैसेंजर एरिया को ये होता है सुपर हॉल, सुपर लग्जरी हॉल। एक बारी अगर मैं इसमें बैठ के दिखाऊँ ना उस तरफ से, तो ये कुछ इतना बड़ा है कि आप इसके अंदर गेम भी खेल सकते हैं यार। क्या लग रही है गाड़ी। अच्छा, इसमें एक चीज़ क्या है, मैंने प्लस पॉइंट लग रहा है, एक चीज़ क्या है, बहुत सारी प्लस पॉइंट है, बट फिर भी इसमें ना सीट्स दिखाओ इसकी, तो इसमें 3 सीट्स पीछे प्रॉपर डायमेंशन के अंदर फुल 2 दे रखी है। ऊपर वाले एंगल से अगर देखें तो उसको पूरी पूरी सीट्स है, यानी कि इस कार कितनी चौड़ी होती है ये, उसका मतलब ये होता है कि कितना ही फैट इंसान है, कितना ही टॉल इंसान है। अगर मैं दिखाऊं उसमें, तो अगर मैं 6 फीट का भी होता, 7 फीट का भी होता, तब भी मेरे ऊपर हेडरूम जो है वो कम से कम 2 इंच का बसता है, यहाँ पे इतना हेडरूम है। और लेग रूम की अगर बात करें तो लेग रूम 6 इंच 7 इंच के आसपास का है। चलो ठीक है, ये तो हो गया, नॉर्मल सी चीज़ है कि इतनी बड़ी गाड़ी है तो उसके अंदर लेग रूम और हेड रूम तो हो गई। बट जो रेयर पैसेंजर है उनके लिए 2 चीज़ें, एक तो ये आ गया आर्मरेस्ट, यहाँ पे आप अपने ड्रिंक्स वगैरह रख सकते हैं, फ़ोन यहाँ पे आ सकता है, या फिर छोटी मोटी चीज़ जो भी यहाँ पे आनी है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में ना इस तरफ अगर देखते हैं तो ये आ गया आपके क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो, और नीचे हल्की सी स्टोरेज है, ये अगर चीज़ देख लें। और यहाँ पे जो है ये फुल पावर्ड सॉकेट है, अगर आपको लैपटॉप चार्ज करना है, हेयर ड्रायर चलाना है, बहुत हैवी एप्लीकेशन इसमें नहीं चला सकते, बट नॉर्मल वाली एप्लीकेशन इसके अंदर चला सकते हैं। इनफैक्ट कि यहाँ पे भी 2 कप होल्डर हैं, ये जो पैसेंजर है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको ज़्यादातर ना ड्राइवर चलाते हैं, इसके अंदर पीछे बॉसेस बैठते हैं। बट अगर आपके पास इतना पैसा है और आपको शौक है कि करना क्या है आखिर मेरे को ज़िंदगी में, और आपका एक दोस्त है जिसको आपको बिठाना है, तो क्या होगा, तो उसके लिए है ये नेविगेटर सीट। नेविगेटर सीट में इंटीरियर में तो बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट ये जो मॉडल हम आपको दिखा रहे हैं ना, ये है 2023 वेरिएंट, जो कि अभी अभी आया है शोरूम से, थोड़ी सी इसको मतलब डेज हुए हैं, तो कार बिल्कुल ब्रांड न्यू है। थोड़ा सा अगर पास ही वाला डोर देखते ना, तो ये पूरा पूरा सॉफ्ट है, हर एक डोर इसका सॉफ्ट ही है। ये जो चीज़ मटेरियल यूज़ किया हुआ है, ये भी कोई प्लास्टिक नहीं है, ये भी एक रबराइज सॉफ्ट मटेरियल है। इनफैक्ट कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये भी वुड है, ये प्लास्टिक नहीं है। अच्छा, इनमें ना जैसे ही ये सेगमेंट ऊपर बढ़ जाते हैं, इनमें प्लास्टिक की जगह ना वुड आ जाता है। और अगर ये चीज़ को आप प्यार से देख पा रहे हैं, थोड़ा सा इस वाले एंगल से दिखाओ, ये जो मेटल की जो फ्रेमिंग है ना, ये जहाँ पे मेटल और वुड का काम आ गया, वो चीज़ एक्सपेंसिव हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर ना वर्किंग आवर्स, मैन आवर्स ज़्यादा लगते हैं। स्टोरेज दिखाऊँ कितनी है इसमें, एक तो यहाँ पे आ गई छोटी सी स्टोरेज, फिर एक स्टोरेज यहाँ है। अगर इसमें मैंने एक माइंडेड चीज़ ये देखी है कि ज़्यादातर कंपनीज क्या करती है कि नीचे वाली स्टोरेज रखती है, ये वाला एरिया खाली रखती है। ये वाला जो उन्होंने बनाया है फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पर ऐसा बना दिया स्टोरेज वाला,
फर्स्ट फ्लोर को भी इन्होंने स्टोरेज दे दी है पूरी प्रॉपर। चलो अंदर आगे देखते हैं। तो नेविगेटर को क्या मिलेगा, ये है पावर्ड सीट्स यहाँ पे, और जो पावर्ड सीट्स हैं वो बहुत तेज चलती हैं, नो डाउट। चलिए यहाँ पे अगर बैठता हूँ मैं तो कुछ इस टाइप का इसका मॉल है। यहाँ पे अगर टच किया जाए तो ये सॉफ्ट है और लेदर है ये। इसकी जो स्टिच है सिंगल स्टिच लेदर इसके अंदर यूज होता है, और वैसे आजकल ये वो प्योर लेदर वाले यूज नहीं होते क्योंकि कंपनी को बहुत सारी बातें बतानी पड़ती हैं कि हम वो एक्चुअल लेदर क्यों नहीं यूज कर रहे। तो ये वाला जो लेदर होता है ना ये ठीक होता है कार्स वगैरह के लिए। फिर यहाँ पे आ जाता है वुड का फील एंड ये मेटल का फील। इनफैक्ट कि अगर आगे वाला ये वाला टच भी मैं दिखा रहा हूँ तो ये वाला जल जो टच है ये भी सॉफ्ट है। यहाँ से यहाँ तक तो सारी चीज़ अच्छी है, सॉफ्ट है और ट्रक वाला फीलिंग है एक बड़ी एसयूवी वाला। फिर यहाँ पे छोटी मोटी सी स्टोरेज है, जैसे कि आपको सैनिटाइजर वगैरह रखना है तो यहाँ पर रख दिया। इस तरफ का कंसोल अगर जो नेविगेटर है उसको क्या क्या मिल रहा है, तो उसके लिए क्या है कि छोटा मोटा सामान उसने यहाँ पर रख दिया। उसके बाद ये ग्लव बॉक्स खोला जो कि लॉक्ड है, और इसमें एक बड़ी अच्छी सी एक चीज़ ये होती है कि यहाँ पे ना की लग जाती है आपके ग्लव बॉक्स में, तो ये ऐसे ही नहीं खुलेगा। अगर आपके ने कुछ ऐसी एक्सपेंसिव आइटम्स रख रखी हैं तो उसको की लगा के बंद कर जाओ, ये भी एक फीचर इसमें होते हैं। ये वाले एंगल से अगर दिखाएंगे तो यहाँ पे नेविगेटर पर बैठ के कुछ इस टाइप का मॉल मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है यार। मेटल वुड ये वाला मटेरियल, इतनी सारे कंट्रोल्स, वैसे ये जो इंफोटेनमेंट कंट्रोल है मतलब जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये वैसे ही है नॉर्मल, बट क्या है कि गाड़ी का साइज़ बड़ा है, कार बड़ी है। अब चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए ना इसकी ड्राइवर सीट पर चलते हैं, और क्योंकि जो इसका इंजन है ना वो बहुत ज़्यादा मैसिव है, वो भी मैं एक बार खोल के दिखाऊंगा। बट अगर इसकी ये ड्राइवर सीट में इसको दिखा दूं तो ये है इसकी ड्राइवर सीट। तो चलो इसके अंदर एक बार जरा बैठ के देखते हैं। बैठने का सिर्फ एक ही तरीका होता है इतनी ऊंची गाड़ियों के अंदर कि आपको राइट लेग जो है ना दुबई में, क्योंकि ये ना लेफ्ट एंड ड्राइव कार्स होती है, तो राइट लेग है ना आपको सबसे पहले रखनी है और स्टेयरिंग को पकड़ना है, और ऐसे करके आप एक साथ इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। फिलहाल ये जिनकी गाड़ी है वो एक ड्राइवर चला रहे थे तो उन्होंने ये सब कुछ लगा रखा, बट ये देखिए जीएमसी आ गया, पूरे कंट्रोल्स यहाँ पे आ गए। इनफैक्ट कि ये इस लेवल की कार है कि इसके अंदर ये जो पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये डिजिटल है, कॉकपिट व्यू बना रखा है। फिर एक यहाँ पे व्यू आ गया, एंड गियर सिस्टम देखो कैसा है यहाँ पे, रिवर्स न्यूट्रल और आपका ड्राइव, फिर ये पार्क का फीचर आ गया, और ये आ गई आपकी मतलब नीचे जो आ गया आपका ये मैनुअल वाला आ गया। लो अगर गियर लगाने के फंस जाए, क्योंकि ऐसी हुई है ना, तो इसमें लो भी इलेक्ट्रॉनिकली चलती है। और एक बार ही अगर चलो इतनी सारी अगर बातें हमने करी ली तो यही वाले कंट्रोल्स भी दिखा दो कुछ इस टाइप का। तो ये ब्रेक इतने अच्छा, इसमें ना एक तो लॉजिक है, जैसे मैं देखता हूँ कि बड़े कार्स होती हैं, बड़ी ट्रक्स होती हैं, बड़ी एसयूवीज होती हैं, उनके जो ब्रेक और एक्सीलेटर होते हैं हमारे यहाँ पे वो बड़े बड़े से होते हैं ना, इनके ना वो छोटी गाड़ियों वाले बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत सॉफ्ट, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। चलो एक बार क्या करते हैं कि इसको स्टार्ट करते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे जो कि छुपा हुआ है बहुत नीचे। अब इस इतने बड़े ट्रक को अगर मुझे स्टार्ट करना है तो पार्किंग पहले होनी चाहिए यहाँ पे, ये पार्किंग का बटन अगर देख रहा हूँ तो पार्क पे कार होनी चाहिए। और अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ तो एक बार इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम दिखा दो यहाँ से, ये देखिए देखना है 3, 2, 1 स्टार्ट, ये हुई है अब कार स्टार्ट। ओ मैन क्या एनिमेशन था, मजा आ गया। ऐसे करके सुइयां जब चेंज होती हैं, जब इतने सारे एनिमेशन होते हैं तो कितना ज्यादा मजा आता है। चलो ठीक है, अभी ये जो इंजन होते हैं ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो अगर इनका जो साउंड इनके अंदर नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा कार के अंदर बैठ के भी। बाहर भी हल्का सा अगर खोलता हूँ मैं इसको, हल्का सा रमलिंग साउंड, ये पता नहीं चलेगा जब आप कैबिन के अंदर होंगे, ये तब पता चलेगा जब कार आपके सामने से गुजर रही होगी। तो इसके अंदर अगर देखिए मैं जब थ्रॉटल दूंगा ना कार हिलेगी, देखना जरा ये कार हिलती है। अब ये जो इंजन है ये हिलते कैसे हैं और ये कैसे लगते हैं, उसके लिए ना हमारे पास जो है एक चीज है देखने की कि जीएमसी का इंजन हुड खोल के किसी ने नहीं दिखाया, और वो हुड खोल के आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये कुछ इस टाइप का इसका क्लीन सा इंजन है जो कि 6.2 है, यानी कि 6200 सीसी का ये इंजन है, V8 डुअल टर्बो चार्ज। तो सोच रहे हो कि ये कैसा होगा, थ्रॉटल दिया और ये जो एसयूवी है, ये जो इतना बड़ा ट्रक है, अगर वहां से भी इसको दिखाते ना बहुत बड़ा बहुत ह्यूज है ये ऐसे भागेगा और ऐसे चढ़ेगा जिसकी कोई हद नहीं है। फिलहाल देखो ये जो था ना ये एक ट्रक का सिर्फ एक ओवरव्यू वीडियो था, बहुत जल्दी इसको चला के भी दिखाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में सबको मिलना है, और हम एक सीरीज चला रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड, सबको उसमें आना है, ज्वाइन करना है, सारे हमें प्यार मोहब्बत लाइक एंड शेयर प्लीज कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप रॉकिंग किंग इंडिया। बाय 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 बाय।